हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरा टेम्पलेट। दोस्तों, डेवलपर्स साथ में काम करें तो बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिल जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसके पहले मैंने कभी भी मेरे जो क्लाइंट्स रहते हैं उनको अमेज़न सर्वर पे उनके ऐप को डाल के नहीं दिया है, क्योंकि अमेज़न सर्वर पे जो इंस्टॉलेशन करते हैं वो अलग रहता है एज़ कम्पेयर नॉर्मल इंस्टॉलेशन से। जो हम लोग नॉर्मल सर्वर पे जब आप लोग का एडमिन पैनल डालते हैं, मतलब जब आप लोग हमें ऑर्डर देते हैं किसी एप्लीकेशन का और उसका जो एडमिन पैनल हमें बनाना होता है, तो हम नॉर्मल VPS, GoDaddy का शेयर्ड होस्टिंग हो गया, या फिर डेडिकेटेड सर्वर पे भी मैंने डाला है, ठीक है, VPS पे, क्लाउड होस्टिंग पे भी मैंने डाला है। तो ये चार पांच ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस पर मैंने वर्क किया है, ठीक है, शेयर्ड हो गया, VPS हो गया, डेडिकेटेड हो गया, या फिर क्लाउड होस्टिंग आजकल नया आया है। लेकिन आप सभी को जान के बहुत अच्छा लगेगा कि इन सभी से बहुत अच्छा होता है अमेज़न सर्वर, AWS सर्वर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो AWS सर्वर पे, मतलब ये जो आपने जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, जो चार प्लेटफॉर्म के बारे में जिसको जिसके बारे में मुझे नॉलेज है, ये प्रीपेड प्लान्स रहते हैं। पहले आप पे करो, उसके बाद में आप उनके स्पेस को, सर्वर होस्टिंग जो भी रहता है उनको यूज़ कर सकते हो। लेकिन AWS यानी कि जो अमेज़न का सर्वर है, ये पोस्ट पेड रहता है, ठीक है। इसमें अब देखिए, जो आपका प्रीपेड वाले प्लान्स हैं, यहाँ पे ये होता है कि आपको एक लिमिटेड स्पेस मिल जाता है, ठीक है, लिमिटेड स्पेस हो, एक डाटाबेस का भी लिमिट रहता है कि आप उतना ही बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अमेज़न का जो AWS है, देखिए, जो प्रीपेड वाले जो रहते हैं, यहाँ पे अगर आपके एप्लीकेशन में अचानक से कभी आपका एप्लीकेशन वायरल हो गया और ज़्यादा यूज़र आ गए, तो आपका एप्लीकेशन हैंग होगा, क्रैश होगा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अमेज़न का जो सर्वर रहता है AWS का, इसका आप अच्छा प्लान ले लीजिए कोई, ठीक है, बेस्ट, और उसके बाद में उस पर अपना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एप्लीकेशन कभी भी वायरल जा सकता है, एग्जांपल के तौर पे अगर आप टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन बनवाने के बारे में सोच रहे हैं या बनवा लिया है, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप अमेज़न सर्वर पे ट्रांसफ़र हो जाइए अभी जस्ट, ठीक है, क्योंकि AWS सर्वर जो है ये पोस्ट पेड प्लान है। जितने ज़्यादा यूज़र आएंगे, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम पे कर सकते हैं, बाद में बिल आएगा ना, और आपको पता है बाद में बिल आएगा तो आप बाद में आराम से पे कर सकते हैं। लेकिन यूज़र्स आके चले गए तो बड़ा नुकसान होता है, ये प्रीपेड वाले प्लान में नुकसान हो जाता है, आपके यूज़र आके चले जाते हैं क्योंकि आपका एप्लीकेशन स्लो चलने लगता है, ठीक है। तो यही चेंजेस हमने हमारे एप्लीकेशन के अंदर, जो भी हमने टिकटॉक वाले ऐप हो गए या फिर जिस पे ज़्यादा बर्डन आता है, जैसे वीडियो स्टेटस ऐप होते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप होते हैं या एजुकेशन ऐप होते हैं, जो कभी भी वायरल हो जाते हैं और जिन पे यूज़र्स हमेशा, मतलब हमेशा बने रहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये सारे जो एप्लीकेशंस रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बैंडविड्थ इन पे यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक बेस्ट सॉल्यूशन निकाला है। हमारे जितने भी क्लाइंट हैं, फिर वो पुराने हो, नए हो, खैर जो पुराने हैं उनको एक छोटा सा अपडेट मिलेगा। जैसे कि आप सभी को मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था कि मैं हर वन वीक में एक नया अपडेट लाके आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, और मेरे जो भी पुराने कस्टमर्स हैं उन सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। और एक बार और सॉरी बोलना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, क्या है कि ये सारी सर्विसेज देने मुझे टाइम तो लगेगा, लेकिन कॉल्स इतने ज़्यादा आते हैं, बल्क में कॉल आते हैं, ठीक है, तो वो मुझे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो खैर, जो मैंने अमेज़न वाली बात की, ये मैं थोड़ा स्पीड में करूँगा जितना जल्द हो सके, क्योंकि और ये अमेज़न वाली जो मैंने बात की आपको, इस पर टिकटॉक वाले जो आप जिन्होंने मुझसे बनवाया है उनको ये सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। और इस अपडेट में क्या चार्जेस लगेंगे, चार्जेस मतलब ये पोस्टपेड है ना, ऐसा नहीं कि आपसे स्टार्टिंग में, देखिए वो आपके एप्लीकेशन के हिसाब से रहेगा कि आपने क्या अमाउंट पे किया है। अगर आपने ऑफ़र में लिया है तो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा, आपको स्टार्टिंग में एटलीस्ट कुछ अमाउंट तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जिन्होंने विदाउट ऑफर लिया है उनको बाद में पे करना है, पोस्टपेड है क्योंकि, तो बाद में पे, आफ्टर वन मंथ पे करना पड़ेगा, ठीक है। खैर, इसके बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए, क्या प्लान्स हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर आपके सामने डिस्प्ले पे है ही, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इसको बहुत बारीकी से जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अमेज़न सर्वर बेस्ट है, और जो भी हमारे टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन हैं उनको बेस्ट स्पीड मिल सके, उनके यूज़र्स कहीं जाए ना। और हमने टिकटॉक का UI जो है वो भी अपडेट कर दिया है, UI को थोड़ा हमने एक्स्ट्रा एडवांस बनाने की कोशिश की है। एक्स्ट्रा एडवांस तो मैं नहीं बोलूँगा, एडवांस ही बोलूँगा, एक्स्ट्रा एडवांस तो तब होगा जब हम उसमें फ़िल्टर और ड्यूट का ऑप्शन डाल देंगे, ठीक है, मतलब का लगभग टिकटॉक जैसा, क्योंकि फिलहाल जो आप मार्केट में ऐप देख रहे हैं बहुत सारे ऐप में ड्यूट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जो मतलब नए नए बन रहे हैं टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे भी हम फोकस कर रहे हैं, और आप लोग का प्यार
इसी तरह बनाए रखिए मेरे चैनल पे। आज मेरे चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, उम्मीद करता हूँ और आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास आप लोग के ऊपर कि मेरे 50,000 बहुत ही जल्द, मुझे लगता है 2 या 3 महीने या 4 महीने के अंदर अंदर उससे भी ज़्यादा मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और AWS सर्वर वाले जो भी अपग्रेड कराना चाहते हैं अपने आप को, प्लीज़ कॉल ज़रूर कीजिए।